भारतीय संविधान के निर्माता, संविधानवेत्ता, इतिहासकार, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, योजनाकार, राजनेता व धर्मवेत्ता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पड़वा स्थित मेहता टॉकीज हॉल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राजन मेहता उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर के मौके पर मुख्य अतिथि राजन मेहता ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान की चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में की जाती है। उन्होंने सभी लोगों को संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार प्रदान किया। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। हम सभी को भी बाबा साहेब के आदर्श पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी धर्मेंद्र ठाकुर, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक राम, अभिमन्यु कुमार, विनोद सोनी, कृष्ण कन्हैया बैठा के साथ अनेकों लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। हॉल में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज मनाया गया। आज ही का ही दिन है कि जो हमारे महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज ही का दिन, उनका आज मृत्यु हुआ था। आज ही 6 दिसंबर को पूरे झारखंड में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब वो हमारे विद्वान थे, वो महान पुरुष थे जो भारत नहीं पूरे विश्व में आज उनकी संविधान की आज चर्चा होती है। आज शायद हम जानते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो आज मेरा भारत का जो संविधान जो है, आज यह संविधान इस तरह का नहीं होता। धन्य है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि हम सबों की अपनी कुर्बानी देकर के इतनी बड़ी संविधान दिए। आज पूरे देश में ही इनकी संविधान दिया हुआ पूरा दुनिया मान रहा है, इसलिए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस हम लोग को दिल से मनाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि बाबा का जन्म दिवस परिनिर्वाण दिवस आया तो हम सिर्फ जाकर के कोरम पूरा किए। आज बाबा साहब के जो आज का जो दिन है, हम लोग का जरूर निश्चित रूप से थोड़ा तकलीफ तो लगता है, दुखदाई का दिन है, लेकिन महान भगवान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हम लोगों को जो दे करके गया, हम इनकी बताए हुए पद चिन्हों पर हम सब की चलने की जरूरत है, तभी जाकर के हमारा पूरे समाज का, पूरे हमारा देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम लोगों को सच्चाई में सिर्फ बाबा साहब का जो दिया हुआ है गुण, जो दिया हुआ हम लोगों को जो उन्होंने दिए हैं, उसको सिर्फ पालन करके धरातल पर अगर हम लोग उतार देंगे तो बाबा साहब का सच्चे हम लोग अनुयायी कहेंगे और बाबा साहब का जितने भी दिए हुए चीज ज्ञान को हम दूसरे के पास बताने की काम करेंगे कि ताकि बाबा साहब के विषय में लोग समझे। आज का युग जो नए नए बच्चे जन्म ले रहे हैं वो नहीं जानते हैं, हम सबों की जनाने की जरूरत है। बाबा साहब हो सकते कि अपनी सारी कुर्बानी देकर के उन्होंने जितना उनको करना चाहिए था, अपनी आज की दुनिया में मैं देख रहा हूं कि लोग अपने अपने के लिए मरते हैं कि मेरे पास धन दौलत काफी हो जाए, लेकिन इन्होंने अपनी जान के साथ साथ पूरे परिवार की कुर्बानी दे दिया कि ताकि मेरा समाज जो है आगे बढ़े और हर अधिकार के विषय में समझे। इसलिए ऐसे महान पुरुष को हम लोगों को एक भगवान के रूप में भी हम लोग मानते हैं और मनाना चाहिए, और भगवान को मान करके हम लोग इनके बताए हुए कदम चिन्हों पर चलने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, जय झारखंड।